उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं घरेलू नुस्खे की वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, मटर पनीर की सब्जी बनाते वक्त उसमें 1 कप दूध डालने से सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। नंबर दो, गुलाब जामुन बनाते वक्त मिश्रण में थोड़ा पनीर मिलाने से गुलाब जामुन स्वादिष्ट और नरम बनेंगे। नंबर तीन, मौसमी के छिलके को हल्का गर्म करने से छिलके कड़क हो जाते हैं। नंबर फोर, इलायची के छिलके का पाउडर बनाकर उसे हलवा तथा केक जैसी चीज बनाने के वक्त उसमें डालने से सुगंध और स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर पाँच, गोभी के फूल को डंठल से अलग करके उसके टुकड़े कर लीजिए और एयर टाइट डिब्बे में भर दीजिए। इससे वह खराब नहीं होता और लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। नंबर छः, उबले हुए आलू का पानी रेशम के कपड़े साफ करने के लिए बेस्ट डिटर्जेंट है। नंबर सात, चावल जलने का डर हो तो जब चावल बना रहे हो तो ऊपर से थोड़ी तेल की बूंदें डाल दीजिए। नंबर आठ, दही को गाढ़ा बनाने के लिए दही जमाते वक्त उसमें थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर डाल दीजिए। नंबर नौ, रसोई घर में चिटिया का उपद्रव हो तो प्रभावित जगह पर खीरे के छिलके को रख दीजिए। नंबर दस, शरीर में कहीं जल गया है वहाँ पर वनस्पति घी लगा दीजिए। इसे ठंडक भी मिलेगी और फफोले भी नहीं होंगे। नंबर ग्यारह, कच्चे टमाटर को पकाने के लिए उसे कागज की थैली में रखकर अंधेरी जगह पर रख दे। नंबर बारह, कांच के गिलास एक दूसरे में फिट हो गए हो तो उसे एक दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। नंबर तेरह, प्याज का तड़का लगाते समय उसमें थोड़ा नमक डाल देने से प्याज जल्दी पक जाएंगे। नंबर चौदह, पकौड़े और भजिए बनाते वक्त उसके आटे में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला देने से तेल का उपयोग कम होगा। नंबर पंद्रह, आलू को काट कर पानी में भिगो कर रखे और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दे, इससे आलू काले नहीं होंगे। नंबर 16, दूध को गर्म करने या दूध की रेसिपी बनाने के लिए भरी या मोटे तले वाले बर्तन का इस्तेमाल करें, इससे दूध या रेसिपी जलेगी नहीं। नंबर 17, जब भी बाजार के सब्जियां लाए तो उन्हें अच्छे से धोकर रखे। नंबर 18, रसोई में चिटिया आए तो चिटियों वाली जगह पर थोड़ा सा आटा फेंक दे, इससे चिटिया चली जाएगी। नंबर 19, सब्जी में मिर्च अधिक हो जाए या सब्जी तीखी हो तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दे, इससे सब्जी का तीखापन गायब हो जाएगा। नंबर 20, मोटी दाल जैसे राजमा, काले चने, सफ़ेद चने या छोले आदि बनाने से पहले 9-10 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें, इससे यह कम समय में अच्छे से गलकर पक जाएगी। नंबर 21, गेहूं, चावल और दाल के बर्तनों या कंटेनर में हरे पुदीने की पत्तियों को डाल दे, इससे इनमें कीड़े नहीं आएंगे। नंबर 22, रसोई के सामान का प्रयोग करने के बाद सामान को उसी जगह पर वापस रख दे, इससे आपकी रसोई साफ सुथरा रहेगा। नंबर 23, फ्रिज को महीने में 1-2 बार जरूर साफ करें, जिससे फ्रिज में कीटाणु और बदबू नहीं आती हैं। नंबर 24, जिस बर्तन में खाना जल गया हो उसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज रखे, उसमें उबलता हुआ पानी डाले, 5 मिनट रखे और फिर साफ कर ले। नंबर 25, हींग का एक छोटा सा टुकड़ा उसी कंटेनर में रखने से मिर्च पाउडर लंबे समय तक जमा रहेगा। नंबर 26, अजवाइन को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए इसे एल्युमिनियम फाइल में लपेटकर फ्रिज में रख दे। नंबर 27, करेले का कड़वाहट हटाने के लिए बीच में से चीरा लगाए और चारों तरफ नमक, कांटा और दही का मिश्रण लगाकर 1 घंटे के लिए अलग रखें और फिर पकाएं। नंबर 28, ठंडक पानी के लिए अपने शरीर पर जले हुए स्थान पर केले को मसलकर लगाएं। नंबर 29, सेब को भूरा होने से बचाने के लिए उस
की कटी हुई सतह पर थोड़ा नींबू का रस लगाए वे लंबे समय तक तरोताजा दिखेंगे। नंबर 30, बादाम का छिलका आसानी से निकालने के लिए उन्हें 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दे। नंबर 31, चीनी के कंटेनर में 3-4 लौंग डालने से चींटियां दूर भाग जाएगी। नंबर 32, सब्जियों को काटने के लिए हमेशा लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का प्रयोग करें, इससे चाकू का शार्पनेस नहीं जाएगा। नंबर 33, किचन में कोनों और अन्य जगहों पर थोड़ा सा बोरिक पाउडर रखें, कॉकरोच आपका घर छोड़कर भाग जाएंगे। नंबर 34, नारियल का छिलका निकालने के लिए उसे आधे घंटे तक पानी में डुबोकर रखें। नंबर 35, सूखे मेवों को काटने के लिए उन्हें काटने से पहले आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दे। फलों को निकाल कर गर्म चाकू से काट लीजिए। फ्रेंड्स, आप सबको आज की यह टिप्स की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब और घंटी को क्लिक कर दीजिएगा, उससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही टिप्स वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।